Good morning, class 5th students. I hope that you all are doing good. I am your science teacher, Ms. Preeti Shah. Today I am going to explain your next chapter, that chapter 14, The Way We Live. In this chapter, we will talk about some natural resources, okay? And topic wise, we will do this chapter. So let's see. Our first topic is environment. So student, what is that environment? Environment that makes our surrounding. Environment kya hai? Environment jo hamare surround ko banata hai. Understood? Our environment include living or non-living things around us. जो भी हमारे environment में living things है, non-living things है, ये सभी को उसमें include किया जाता है. The non-living components of environment are land, water, air. Okay, ये क्या है? ये हमारे non-living components है. And the living components are germs, plant, animals and even human beings. Okay, so these are the living components. Okay, so एनवायरमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट मेक्स अवर सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट. ओके, और हमारे इसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ये सब मिला के हमारा एनवायरमेंट बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द वे ह्यूमन बींग्स लाइफ अफेक्टेड द एनवायरमेंट इन नंबर ऑफ वेज. और हमारी जो ह्यूमन बींग्स है, ओके, वो क्या करते हैं? हमारे इस एनवायरमेंट को बहुत सारे तरीके से अफेक्ट भी करते हैं. जैसे टू बिल्ड मॉडर्न सिटीज, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन. हमें मॉडर्न सिटीज बनाने के लिए आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटाई करते हैं. ओके, फॉरेस्ट को कट करते हैं. वी यूज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर अवर सेल्फ. और हमें इन सब चीजों के लिए ह्यूज क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है. वाटर यूज करते हैं फॉर अवर गार्डन्स एंड फॉर कीपिंग अवर होम्स क्लीन, हमारे घरों को साफ रखने के लिए, ठीक है, गार्डनिंग के लिए तो बहुत क्वांटिटी में वाटर भी चाहिए. ओके, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन फैंस, एयर कंडीशन एंड ऑल द मशीन्स इन अवर होम्स, हमारे घर की सारी मशीन्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे वो फैन चलाना हो, एयर कंडीशन हो, या सारी चीजों के लिए हमें अपने घरों में यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए. ओके, डिड यू नो दैट द मैच ऑफ अवर इलेक्ट्रिसिटी इज मेड ऑफ पावर हाउसेस बाय द बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल. तो आपको क्या पता है कि जो ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो हमारे पावर हाउसेस में की जाती है. ओके, जिसमें क्या किया जाता है, कोल को, ऑयल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है. कोल और ऑयल की बर्निंग से ही जो है कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पावर हाउसेस में. ओके, वी नीड कुकिंग गैस, हमें कुकिंग गैस भी चाहिए. वी यूज पेट्रोल, डीजल, यूज मेनी थिंग्स. ओके, और ऑयल फॉर नेचुरल गैसेस टू रन द कार्स, स्कूटर्स, बसेस, ट्रैक्टर्स. ओके, एंड वी यूज मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल. हम बहुत सारी चीजें यूज भी करते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, ग्लास के होते हैं, मेटल के होते हैं. सो टू यूज टू मेक दीज मैन मेड मटीरियल्स, फैक्ट्रीज यूज अप इन्यूमरस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. तो इन्हीं सब चीजों के लिए जो भी चीजें हैं, तो आप देखते हैं कि सारी चीजों में हमें इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हमारे एनवायरमेंट में ये जो सारी चीजें हैं, ये कैसे चीजों जो ये सारी चीजें हो रही हैं, अब इससे पॉल्यूशन कैसे रिलेट करता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओके, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, पॉल्यूशन. सो अब हमारे एनवायरमेंट को कैसे पॉल्यूशन जो है रिलेट करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो वॉट इज पॉल्यूशन? मेकिंग द एनवायरमेंट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज. ऐसी चीजें जो ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है, अनफिट हो जाती है हमारे एनवायरमेंट में, ह्यूमन यूज के लिए जो चीजें अनफिट है, दैट इज वी कैन से कि ये पॉल्यूशन. ओके, मेकिंग द एनवायरमेंट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, ये पॉल्यूशन की एक डेफिनेशन है. नाउ इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझ लेते हैं. एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट इज अनफेवरेबल फॉर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. अब हम ये एनवायरमेंट को कैसे पॉल्यूट करता है? सो कोई भी चेंजेस जो हमारे एनवायरमेंट में हो, अनफेवरेबल हो, ओके, लिविंग बींग्स के लिए, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ओके, दिस अनफेवरेबल चेंज मे बी कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा ओवर यूज करने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये अनफेवरेबल चेंज जो है कैसे होते हैं, कैसे कॉज्ड होते हैं? जब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, जब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जब हम उनका ओवर यूज करने लग जाते हैं, तो इससे हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है.
जैसे आप समझ सकते हैं मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द लैंड एयर एंड वाटर. जब हम हार्मफुल सब्सटेंस को लैंड में वाटर में एयर में जब मिक्स करते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज लाइफ स्टॉक इन कंजस्टेड एरियाज. ओके, और बहुत सारी हद तक लोग जो है कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं एक्सेट्रा. ओके, अ सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट. एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है पॉल्यूशन को कॉज करता है. ओके, सब्सटेंस जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं वी कैन से दैट इज पॉल्यूटेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो अमंग द मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आर द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड केमिकल्स बाय फैक्ट्रीज इन अवर सराउंडिंग, डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल फार्म्स बाय द ऑटोमोबाइल्स ड्यू टू द बर्निंग कोल्स, मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स एंड गार्बेज इन द वॉटर बॉडीज ऑन सो ऑन. तो ये सारी चीजें हैं, चाहे वो हमारे सराउंडिंग में कोई चीज डिस्चार्ज की जा रही है, फैक्ट्री वेस्ट है, या जो भी हार्मफुल जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी केमिकल्स जो फैक्ट्रीज है वहां पे जो भी कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन से जो भी हार्मफुल गैसेज आ रही हैं, तो ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं. ओके, वाटर पॉल्यूशन आपको पता है कि जब जो वेस्टेड चीज है ओके उनको जब हम वाटर बॉडीज में थ्रो कर देते हैं सो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. नॉइस पॉल्यूशन आपको पता है कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा साउंड जो गाड़ियों के हॉर्न्स वगैरह हैं उनसे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है. सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन है. ओके, सो एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन. व्हेनेवर वी थ्रो सम वेस्ट ऑन द लैंड सो इट क्रिएट लैंड पॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द पॉल्यूशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, इसका मेन कॉज है जब हमारी एयर पॉल्यूटेंट होगी, जब हमारी एयर पॉल्यूटेड होगी तो यही जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हाट इज दैट ग्लोबल वार्मिंग? सो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. जब हमारे एनवायरमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ओके, इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी सो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगा. तो एज यू नो दैट स्ट्रेन्स इन अवर एटमॉस्फेयर हैव 21% ऑक्सीजन, ओके 78% नाइट्रोजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर जो है कुछ अदर गैसेस है. ओके, तो जब एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगा. एंड इंक्रीज द अर्थ नेचुरल टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. जब हम अर्थ का एक नेचुरल टेम्परेचर है उसको जब इंक्रीज जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करेगा. ओके, ऑल दैट स्ट्रेंस. सो द टेम्परेचर इंक्रीज इन कॉजेज बाय सर्टन गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज से होगा. ओके, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है? ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि वेन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज इन द एटमोसफेयर इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? सो इससे ये होगा कि द ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, द अर्थ टेम्परेचर्स एंड दस इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर ऑल्सो. अब क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज है या आप ये कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करेगा कि सन से जो हीट आ रही है, लाइट आ रही है, उसको ट्रैप करेगा. जब बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में सन से हीट और लाइट को ऑब्जर्व करेगा. ओके, इसके बाद अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. सो ग्लोबल वार्मिंग कैन रिजल्ट, अब इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या होगा, इन द मेल्टिंग आइस नियर द पोल. अब जो भी हमारे पोल्स हैं, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपको पता है फ्रोजन एरियाज है. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ये दो पोल्स हैं, आपने देखा है ग्लोब में, जब आप ग्लोब को जानते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है जो एरियाज है वो फ्रोजन एरियाज है. तो वहां पे जो फ्रोजन एरियाज है जो वो पूरा फ्रोजन है, बर्फ से ढका हुआ है, तो क्या होगा, इसकी वजह से जब हमारे अर्थ पे गर्मी बढ़ेगी, CO2 लेवल इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से वो जो फ्रोजन आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. इसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग द राइज रेज ऑफ इन द वॉटर लेवल इन द ओशियंस. इसकी वजह से जो हमारे ओशियंस हैं उसमें वॉटर लेवल भी बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाएगा.
ठीक है। अब वहां से जब वो बर्फ पिघलेगी तो कहाँ जाएंगे, हमारे ओशियंस में जाएंगे, ओशियंस में जाके मिलेंगे, ओशियंस का वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस कैन रिजल्ट इन फ्लूड्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये रिजल्ट शो करेगी कि इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे, वर्ल्ड के कहीं ना कहीं पार्ट पे फ्लूड्स जैसे सिचुएशंस बन जाएंगे, ठीक है, बाढ़ जैसे सिचुएशंस बन जाएंगे। नाउ व्हाट इज दैट एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या है, देखिए, द हार्मफुल केमिकल रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द फैक्ट्रीज मिक्स विद वाटर वेपर इन द क्लाउड्स एंड फ्रॉम ड्रॉप ऑफ एसिड रेन दैट फेल्स डाउन एज अ एसिड रेन। अब क्या होता है, आपने देखा है कि हमारा जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है, वाटर साइकिल का प्रोसेस कैसे होता है, वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है जब सन की लाइट हमारे वाटर बॉडीज में पड़ती है, हमारे लेक्स में पड़ती है, तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो वेपर बनके कंडेंस होता है, वेपर बनके एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, एयर में मिक्स होता है, और इसके बाद क्लाउड में कंडक्ट होता है। तो क्लाउड में जाने के बाद जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे एयर में जब जब हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज हो रहे हैं, जो फैक्ट्रीज के धुएं हैं या अदर चीजें हैं जिनसे हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं, तो ये भी तो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा कि ये भी वेपर की फॉर्म में बनके जो है कंडेंस हो जाएंगे क्लाउड्स में, ओके। और उसके बाद जब भी रेन आएगी तो वो एसिड रेन की तरह ही आएगी, तो ये हमारे कई चीजों को डैमेज करेंगे, जैसे बिल्डिंग्स हैं उनको डैमेज करेंगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मेक द सॉइल एसिडिक, जो सॉइल है उसको एसिडिक बनाएगी, एंड नेक्स्ट और इट डिस्ट्रॉइंग द यंग प्लांट्स ऑल्सो, ओके, ये जो यंग प्लांट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करेगी। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। सो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, सो एज यू नो दैट द ओजोन लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एक ऐसी रेज है जो हमें जो सन से आती है, ठीक, और सन से आने वाली इस किरण को कौन रोकता है, ओजोन लेयर, ठीक है। ये ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो सन के आगे है, ठीक, सन के आगे जो लगी हुई है, ये क्या करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो सन से आती है, ओके। अगर ये नहीं होगी, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, इसका असर क्या होगा, दीज रेज कैन कॉज स्किन डिजीज एंड कैंसर। ये हमारे स्किन डिजीज है, इनको जो है इंक्रीज करेगी, ओके, ये कॉज करेगी स्किन डिजीज, कैंसर, तो ऐसी चीजें होंगी अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं रोकेगी हम तक पहुंचने से, ओके। नाउ द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वेस्ट। अब हम वेस्ट के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज दैट वेस्ट, एनीथिंग दैट इज ऑफ नो यूज टू अस इट कॉल्ड वेस्ट। हम वेस्ट किसे कहते हैं, जो हमारे यूज की चीज नहीं है, हम यूजुअली कह देते हैं कि एनीथिंग दैट इज नो यूज फॉर अस वी कैन कॉल्ड दैट इज वेस्ट, तो ये वेस्ट है। सो वेस्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, ओके, टू टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट भी टू टाइप्स के होते हैं। वेस्ट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सेपरेटली व्हाट इज दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड व्हाट इज दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो व्हाट इज दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, थिंग्स लाइक एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फिल एंड लीव्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स विच कैन बी डीकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ठीक है, तो जो भी एनिमल्स का वेस्ट है या वेजिटेबल वेस्ट है या फिलन लीव्स हैं या पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके छिलके हैं, वेजिटेबल्स के छिलके, तो आप लोग क्या करते हैं, कहीं भी थ्रो आउट कर देते हैं इनको। बट जब हम इसको क्या करते हैं, इसको जब हम एक जगह पे कलेक्ट करके, ठीक है, और इन्हीं को जो ये हमारे जो घर के वेस्ट निकलते हैं, जो ये किचन वेस्ट होते हैं, इनको जब हम एक जगह पे रखते हैं, एक जगह पे डालते हैं, तो ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है, उसका कंपोस्ट बनता है एंड इट इज गुड फॉर अवर सॉइल। ये हमारे सॉइल की उपजाऊपन के लिए, उसकी ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ओके। इसकी जब उसे डिकम्पोज किया जाता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आते हैं और इसको ये हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम और स्टील कैन ग्लास प्लास्टिक पॉलीबैग्स एक्सेट्रा कैन नेवर बी डिस्चार्ज एंड आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट, ओके, या ग्लास है, कैंस है, जो भी ऐसी चीजें हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको जो है इनका रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं,
ठीक, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का तो हम रिसाइकिल करते हैं, उसको कंपोस्ट बना के यूज कर सकते हैं अपने लैंड के लिए। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर हम इसको अपने लैंड में थ्रो करते हैं, अपने सॉइल में थ्रो करते हैं, तो ये उस सॉइल की जो है उपजाऊपन को भी खत्म कर देगा। ठीक है, अगर ये ऐसे वेस्ट अगर हम अपने लैंड में डालेंगे तो ये फार्मिंग के लिए बहुत गंदा है, बहुत गलत है। ओके, और इसी वजह से हमें दोनों ही वेस्ट को, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, सेपरेटली थ्रो आउट करना चाहिए। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप सेपरेट थ्रो कीजिए, उसको यूज कीजिए कंपोस्ट की तरह, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप आगे मशीन्स के लिए, मशीनों में उसकी जो है रिसाइकिलिंग के लिए, जहां पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट किया जाता है वहां पे आप उसे थ्रो आउट कीजिए। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिसाइकिलिंग। व्हाट इज दैट रिसाइकिलिंग? चेंजिंग द यूज प्रोडक्ट्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिसाइकिलिंग। रिसाइकिलिंग क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को चेंज करना। ठीक है, जो यूजफुल चीज है अगर हम उसे यूज कर चुके हैं, चेंजिंग द यूज्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम यूज कर चुके हैं, इनटू द न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, उसको अगर हम न्यू यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो उसको ही रिसाइकिलिंग कहते हैं। जैसे सपोज है कोई चीज हमने ले रखी है, उसको हम यूज कर चुके हैं और उसको फेंकने की जगह अगर हमने उससे कुछ बना दिया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने रिसाइकिल किया है, इस चीज को हमने ऐसे था और इसको यूज करने के बाद हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड रिसाइकिलिंग। सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली। थैंक यू।